तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं आपको कुछ इस प्रकार से अपने बैकग्राउंड को ऑरेंज टोन में एडिट करना और अपने फेस को कुछ इस प्रकार से फेस स्मूथ करना। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताएंगे, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो दोस्तों, बिना देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे। सो गाइस, तो हम आज अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आने के बाद इस फोटो को हम सेलेक्ट कर लिए हैं और शेयर करेंगे इस फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर। तो शेयर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और अपने लाइटरूम वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और एडिट इन लाइटरूम पे टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे, हमारा यह फ़ोटो डायरेक्ट शेयर हो जाएगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा फ़ोटो शेयर हो चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फ़ोटो में लाइट को एडजस्ट करना है। तो लाइट को एडजस्ट करने के लिए सिंपली आपको लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे की साइड। आने के बाद ब्लैक्स को आपको थोड़ा सा कम करना है, आपको -26 रखना है। व्हाइट को आपको थोड़ा सा प्लस करना है, आपको 25 का रखना है। शेडो भी आपको थोड़ा सा प्लस करना है, आपको प्लस में 49 रखना है। 9 रखने के बाद हाईलाइट के ऑप्शन पे आना है, इसको थोड़ा सा माइनस कर दें, आपको -33 करके रखना है। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ से अपने फ़ोटो में लाइट तो एडजस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। दिखा सकते हैं आपको, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस, तो हमारे फ़ोटो में लाइट एडजस्ट हो चुका है। अब आपको कलर एडजस्ट करना है। सिंपली आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। तो आपको करना क्या है, टेम्परेचर को आपको थोड़ा सा प्लस करना है, आपको कुछ इस प्रकार से 7 रखना है। 7 रखने के बाद नीचे आना है वाइब्रेंस वाले ऑप्शन पे, इसको आपको थोड़ा सा प्लस करना है। प्लस करने के बाद यहाँ से आपको सिंपली मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन शो होंगे। तो सबसे पहले अपने फेस के कलर को सिलेक्ट करना है। आपका फेस कलर ये है ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी सैचुरेशन आपको थोड़ा सा माइनस की ओर करना है, आपको कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको माइनस की ओर कर देना है, आपको -21 रखना है। और इसका लुमिनस आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, आपको कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है, आपको 21 रखना है। 21 रखने के बाद यहाँ से अपने येलो कलर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी ह्यू आपको 100 की ओर कर देना है। ह्यू 100 कर देने के बाद इसकी सेचुरेशन आपको थोड़ा सा प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद आपको नेक्स्ट कलर को, आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद इसकी भी ह्यू आपको 100 रख देना है, माइनस में है कुछ इस प्रकार से रख देना है। और सेचुरेशन आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है। और यहाँ से आपको ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी सेचुरेशन आपको थोड़ा सा प्लस कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। प्लस करने के बाद यहाँ से हम अपने फ़ोटो में लाइट को एडजस्ट, यानी लाइट को एडजस्ट भी और कलर को एडजस्ट भी कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको डन करना है। डन करने के बाद अब अपने फ़ोटो को थोड़ा स्मूथ करने के लिए और थोड़ा डार्क टोन देने के लिए आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में जो देख सकते हैं टेक्सचर का ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा सा प्लस करना, आपको 11 रखना है। 11 रखने के बाद जो नीचे क्वालिटी का ऑप्शन है, आपको क्वालिटी को आपको 12 करके रखना है, कुछ इस प्रकार से दोनों सेटिंग को रख लेना है। रख लेने के बाद ये देख सकते हैं जो डीहेड विगनेट का ऑप्शन है, तो DH को आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है। प्लस करते ही आपके फ़ोटो में थोड़ा डार्क टोन ऐड हो जाएगा। और यहाँ से जो विगनेट का ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा सा ही माइनस करना है, आपको -21 रखना है। मिड पॉइंट को भी आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है। और आना है नीचे आने के बाद जो ग्रेन का ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है। प्लस कर देने के बाद अब अपने लास्ट सेटिंग में अपने फेस को स्मूथ करना है। तो फेस को स्मूथ करने के लिए सिंपली आपको डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। के बाद ये जो शार्पनिंग का ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है, प्लस आपको 16 करके रखना है। और यहाँ से जो डिटेल का ऑप्शन है, इसको आपको पूरा 100 कर देना है, कुछ इस प्रकार से। 100 कर देने के बाद ये दोनों ऑप्शन को भी आपको 100 कर देना है। अपने फेस को स्मूथ करने के लिए जितने भी ऑप्शन होंगे, सबको आपको 100 कर देना है। आपको बस
कंट्रास्ट को नहीं करना है। कंट्रास्ट नहीं करने के बाद उसके बाद आपको इसको भी आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है। प्लस कर देने के बाद दोनों ऑप्शन को भी आपको 100 कर देना है। आप देख सकते हैं आपका फेस कुछ इस प्रकार से स्मूथ हो चुका है। और यहाँ से आपको लास्ट स्टेप में करना क्या है, ऑप्टिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये दोनों ऑप्शन आएंगे, ये दोनों ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। तो दोस्तों फाइनली हमारा फोटो बनकर कुछ इस प्रकार से रेडी हो चुका है। सो गाइस आशा करते हैं यह वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों लास्ट सेटिंग में अपने अपने फ़ोटो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए सिंपली आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे तो आपको सबसे पहले जो सेव कंप्यूटर डिवाइस पे उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका यह फ़ोटो डायरेक्ट सेव हो जाएगा गैलरी में। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और न्यू वीडियो के साथ।